वेलकम टू माय चैनल असन ओएस। मैं हूं आपके साथ कैमी। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो, नया नोटिफिकेशन निकल चुका है LIC एडियो पोस्ट के लिए। इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे अप्लाई करने से पहले, आपको ज़रूर जानना भी चाहिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करवा दीजिए ताकि आपको नया जब वीडियो आएगा तुरंत ही आपको पता चल जाए। चलिए फ्रेंड, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फिर से एक नया नोटिफिकेशन ADO वैकेंसीज के लिए, ADO पोस्ट के लिए, और टोटल कितना वैकेंसी है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऑल कैटेगरी टोटल वैकेंसी है 1049 टोटल वैकेंसी है। इससे SC ST OBC अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग डिवीजन के अलग अलग पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी है 1049, ठीक है। ये गया वैकेंसी की डिटेल्स। इसके बारे में जाएंगे शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू का 25 जनवरी से और लास्ट डेट है 10 फरवरी, मतलब इसी के बीच में आपको अप्लाई करना होगा ताकि आपको छूट ना जाए। तो याद रखिएगा, इसी 21 जनवरी से 10 फरवरी के अंदर आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिव है ये, आप 4 मार्च के बाद से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपका पहले 12 मार्च को, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा 8 अप्रैल, ठीक है। जिससे पता चलता है कि फ्रेंड आपको 2 टायर में एग्जाम होगा, एक प्रीलिम एग्जाम होगा, एक मेन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप कौन सा वेबसाइट में जाएंगे, LIC India.in, उसके बाद नीचे ये खुलने के बाद आप करियर ऑप्शन में जाके ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट और क्या है इसमें, अप्रेंटिस पीरियड आप देख सकते हैं और प्रोबेशन, आपको 1 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ये जान सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन आप जान सकते हैं। एलिजिबिलिटी आप किसी भी ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं कर सकते हैं अप्लाई। और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग थोड़ा क्राइटेरिया है। LIC एजेंट कैटेगरी अलग है, LIC एम्प्लॉय कैटेगरी अलग है, अदर्स कैटेगरी मतलब ओपन मार्केट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़। और इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, एज लिमिट 21 मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आप हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। और एज पर गवर्नमेंट रूल, जैसे अपर एज लिमिट में आपको मतलब कुछ छूट दिया जाता है तो उसमें आपको भी मिलेगा। जैसे SC ST के लिए कैंडिडेट के लिए अलग है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज लिमिट सेट किया गया है और इस एज का छूट भी दिया जाएगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप LIC एम्प्लॉई कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर LIC एजेंट कैटेगरी से है। और अदर कैटेगरी मतलब ओपन मार्केट से है, मिनिमम 2 साल आपको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या तो कोई मार्केटिंग और फिनेंशियल प्रोडक्ट मार्केटिंग में आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो मतलब आप एलिजिबल हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर अदर कैटेगरी मतलब प्रीलिम्स और मेन दोनों ही होगा। प्रीलिम्स में आपको रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज खाली क्वालिफाइंग नेचर रहेगा और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपको दिया जाएगा उसी में से आपको रैंक मतलब रैंकिंग में उसी काम में आएगा। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा और इंश्योरेंस एंड फिनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस। तो इसी से आपको प्रिपरेशन, इसी सब्जेक्ट में आपको प्रिपरेशन करना होगा और अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा आपको, और अभी से शुरू करना होगा प्रिपरेशन, नहीं तो बाद में जाके लेट हो जाएगा। उसके बाद होगा इंटरव्यू, अगर मेंस क्लियर करते हैं तभी जाके इंटरव्यू आपको देना होगा। उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप चाहे तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप खूब चॉइस कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे आप चॉइस कर सकते हैं और डिवीजन भी आप चॉइस कर सकते हैं। देखिए टोटल 12 डिवीजन है, 12 डिवीजन किसी भी डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गारंटेड बॉन्ड है, इसमें भी आपको 4 साल का बॉन्ड में सिग्नेचर करना होगा। और बॉन्ड के बारे में और अगर जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिए, तो मैं एक दूसरा एक वीडियो बॉन्ड के बारे में लेके आऊँगा, ठीक है।
तो फ्रेंड ये है इम्पोर्टेंट चीज़ें आज LIC ADO का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो फ्रेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर कर लीजिए आपको फ्रेंड के साथ ताकि और वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।